व्हाट्सअप। सो भाई तुम जितना एक्साइटेड हो इसके लिए उससे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। शिकायत आ गया है, गाना कुछ कितने 20 घंटे पहले आया है और ऑलमोस्ट 4 लाख व्यूज इस गाने कंप्लीट होने वाले हैं। और तू है कहाँ नंबर वन सॉन्ग ऑन स्पॉटिफाई इन्होंने दिया था। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है ब्रो, लाइक तुम लोगों ने भी जितना मुझे प्यार दिखाया रहा, लाइक अनबिलीवेबल। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरे दिल की बातें इतने लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी था ठीक है, बाकी सारी बातें बाद में, लेट्स सी शिकायत पे क्या है। तो बड़ा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। डायरेक्टेड बाय जीरो। अवतीन और हजरत, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं। सही बात है। और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। सही बात है, कितनी सही बात गई है, राइट है ना। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो खो के लिखे जाते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो देते हैं। डैम यही था ना, खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। यस। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। जरा तवज्जो फरमाएं। अपने लवर से जो शिकायत है ना, वो इस मुशायरे में हम अभी सुनने वाले। बिल्कुल मुशायरे वाला टोन भाई ने सेट कर दिया है। एंड लग तो रहा है कि कुछ छूने वाले लिरिक्स आने वाले हैं। लेट्स सी। जख्म दिल पे है दवा करो, आओ मिलके रस्म मोहब्बत अदा करो। कुछ ना कर सको मेरे लिए तो बस ख्वाबों में ही मुझसे मिल लिया करो। आ मिलो कहीं मुझसे के उम्मीद। पता मुझे बिल्कुल अभी कैसी फील आ रही है, जैसे कि मैं एक ग्रुप में बैठा हुआ हूँ है ना, हम लोग बॉन फायर के आसपास हैं और वहां पे जो है ये भाई अपना गिटार लेके हमारे सामने गाना गा रहा है। बिल्कुल वो जो इंडी साउंड मेंटेन करा है ना भाई, लाइक अच्छा लगा मुझे ये चीज की। देखो जब सक्सेस मिल जाती है ना, जब चीजें हिट होने लगती है, लोग बड़ा दाएं बाएं जाने लगते हैं। लेकिन मुझे इनके साथ अच्छी चीज ये लग रही है कि जो जिस गाने, जिस टाइप के म्यूजिक के लिए ये जाने जाते हैं उसी को ही आगे लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने म्यूजिक को बदल ले, अपनी आर्ट को बदल ले, नहीं। वो चीज़ भी बहुत सही लगी, बिल्कुल रॉ साउंड गिटार पे। सॉरी बहुत लंबा भाषण दे दिया, लेकिन भाई मैं दोस्तों की तरह गाने, देखो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, अगर आप बोल रहे हो तो भाई प्लीज जाओ ओरिजिनल गाना सुनो, मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हो तो मजे आएंगे। भी रुको के उम्मीद कुछ बाकी है मेरी तुमसे, ना जाने हसरत ही रही हो तुम मेरी, हसरत ही रही हो तुम मेरी, के शायद ये दिन आखिरी हो हम ख्वाहिश में मर जाए। हसरत में ही रुक जाओ भाई, मेरे को सुनने दो यार, हसरत ही रही हो तुम मेरी, के शायद ये दिन आखिरी हो हम ख्वाहिश में मर जाए। आ मिलो कहीं मुझसे के उम्मीद कुछ बात। डूड ये भाई मैं पता ही ये देख सकता हूँ कि ये बंदे बहुत बिग लेवल पे हिट होने वाले, बहुत बहुत बार ऑलरेडी हो चुके हैं हमें पता है ठीक है, लेकिन भाई तुम समझ नहीं रहे भाई, ये लाइक एशिया और वर्ल्ड लेवल वाला यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे साउंड निकल के आ रहा है ठीक है। लाइक इतना ज्यादा रस्टिक साउंड है ना, इतना ज्यादा रॉ साउंड और इतना ज्यादा छूने वाला म्यूजिक और इतने ज्यादा वो वाले दिल से लिखे गए लिरिक्स, कम कॉम्बिनेशन मिलते हैं ब्रो। और ये वाला भाई, डैम भाई, भाई मार्क माई वर्ड्स, 3-4 महीने बाद देखना इनके शोज कहाँ कहाँ हो रहे होंगे। अभी देखो तुम शिकायत है इनकी शिकायत सुनी कितनी भोली सी शिकायत है कि आज मेरी आखिरी दिन है, ऐसा ना आज मेरा हो सकता है मेरी लाइफ का आखिरी दिन है, ऐसा ना मैं अपनी हसरत में ही मर जाऊं है ना, तुम्हारी हसरत में, तो इसलिए आ जाओ मुझसे मिल लो, ये इनकी शिकायत है। ले चलो वहां मुझे, मैं देखता हूं आसमान में भी अब तुझे, देखा एक रोज तारा टूट के गया, मांगी भी दुआएं पर तू नहीं मिला, वो आया ही नहीं जो एक दफा गया, वो दूर इतना हो गया मैं देख ना सका, है ढूंढता वजह अब दिल ये बेवजह है, टूटा इस तरह से दिल के फिर नहीं लगा। तो आ मिलो कहीं ओ मेरे हमनशीं, मैं अब भी हूँ अकेला ये तू समझा क्यों नहीं, वजूद दिल लगी मैं सही होता हूँ, मेरे को मैं पॉज करने का मन ही नहीं कर रहा है, इतने इतनी
इतनी अच्छी सी आवाज, इतनी भोली सी आवाज है ना, और इतने गहरे लिरिक्स, इतने प्यारे लिरिक्स, मतलब इस बंदे को देख के खाली इतना अच्छा लग रहा है कि ये स्टेज पे अगर ऐसा लिख रहा है, ठीक है, तो लाइक डैम होता है ना कभी आप यंग आर्टिस्ट को बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हुए देखते हो तो आपको बहुत मजा आता है। वहीं मैं देख रहा हूँ भाई ये बंदा इतना यंग है और ये इस लेवल की बात है अभी से देख रहा है, लाइक आई कैन रियली सी बड़े स्टार्स इन द मेकिंग राइट नाउ। आई मीन तुम्हें, मुझे नहीं पता तुम्हें पता है कि नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता होगा ब्रो, तुमने गाने सुने लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक है। जब जल बैंड आया था ना तब है ना, जब उनके स्टार्टिंग के गाने हिट होने शुरू हुए थे, जल परी भी है ना, तो कुछ ऐसे ही सेंसेशन क्रिएट हो रही थी, ठीक है, जब उनके कुछ कुछ गाने हिट हो रहे थे। मैं मेरे पास एल्बम थी उनकी, मैं गिटार पर बजाता था उनके गाने, ठीक है, तो वही वाली एनर्जीज और उसी वाले फ्लेवर के गाने एंड इमोशंस मैं इन लोग में देख रहा हूँ ब्रो। आई कैन सी समथिंग वेरी बिग है ना, बड़ा यहाँ पे क्रिएट होते हुए। सॉरी फिर से लंबा भाषण, बट मांगी भी दुआएं पढ़ा तू नहीं मिला, वो आया ही नहीं जो एक दफा गया, वो दूर इतना हो गया मैं देख ना सका, है ढूंढता वजह अब दिल ये बेवजह है, टूटा इस तरह से दिल के फिर नहीं लगा, तो आ मिलो कहीं ओ मेरे हम नशी, मैं अब भी हूँ अकेला ये तू समझा क्यों नहीं, वजूद दिल लगी कि आरज़ू नहीं, मोहब्बत तो वही है जो कि मिलती ही नहीं, मोहब्बत तो वही है जो कि मिलती ही नहीं। ओह माय गॉड, और आदमी जिंदगी भर यही सोचता रह जाता है कि क्या वो मेरी मोहब्बत थी, वो मिलती नहीं है, तो समझ नहीं आता कि अगर मिल जाती तो क्या होता है, फिर आदमी यही सोचता रहता है क्या वही थी मेरी नहीं, मोहब्बत तो वही है जो कि मिलती ही नहीं, मोहब्बतों में झूम लूं मैं क्या करूं बता, मैं मुब्तला हूं गम में या मैं गम की हूं दवा, मैं बददुआ हूं या दुआ हूं या मैं हूं सजा, अब तू बता कि मैं हूं या फिर तू है लापता। अरे यार भाई ये तो खतरनाक, मैं बददुआ हूं या दुआ हूं या हूं सजा, क्या हूँ मैं लोगों के लिए और क्या हूँ अपने आप के लिए, मैं मुब्तला हूँ गम में या मैं, वो वाला स्टेट ऑफ माइंड होता है ना जब बंदे को सब समझ आना बंद हो जाता है, लाइक सब कुछ जीरो ब्लैंक इन द हेड, लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड और इसके बाद मेरा वजूद क्या है, लाइक ये जो हमारा चैप्टर फिनिश हुआ अभी है ना, उसके बाद अब मैं लाइक ये नई जिंदगी में मैं क्या होने वाला हूँ, अब मुझे चिड़ियों की आवाज क्यों सुनाई दे रही है, आई थिंक मुझे चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है ब्रो इस गाने में, आई एम नॉट वेरी श्योर एम आई गोइंग कुकू या फिर सही में सुनाई दे रही है, कमेंट्स में बताना। बट भाई जो एस्थेटिक्स गाने के बना के रखे है ना, वो गिटार बेस है, नॉर्मल से स्लो से ड्रम्स, सॉफ्ट ड्रम्स है ना भाई, बढ़िया साउंड्स है। मैं या मैं गम की हूँ दवा, मैं बददुआ हूँ या दुआ हूँ या मैं हूँ सजा, अब तू बता के मैं हूँ या फिर तू है लापता, तू बता लापता हो गए हमारे लिए। एक बात करें भाई, 2.25 मिनट हो गए हैं, जनरली इस टाइम पे जो है ना गाना खत्म होने का माहौल बनने लगता है ना गाने की लेंथ, ये 4.5 मिनट का गाना है, एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली लंबे गानों का दौर आते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है, लंबे गाने सुनना किसको नहीं पसंद है, अभी हमने कितनी सारी मेलोडीज और कितने सारे इमोशंस हमने जो है अभी इस एक गाने में सुन लिए हैं, और अभी यहाँ पे देखो क्या मेलोडी, एक नई मेलोडी स्विच हुई ना, जिसकी वजह से गाने में फ्रेशनेस मेंटेन आई हो गए हमारे लिए, तुम इतना चाहा के तुम बेवफा हो गए, इतना चाहा के तुम बेवफा हो गए, तुम्हें पता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, मैं उसके पीछे जो बढ़ती वो करूं, इतना भरोसा करता मेरे पे, इतना चाहा के तुम बेवफा, तुम इतना चाहा के तुम बेवफा हो गए, जाना भूलना था तुम्हें खुदा की कसम, हाथ जब भी उठे तुम दुआ हो गए, होठों पे दुआ है वक्त थम लाइन सुनना तो यार एक बार, हाथ भूलना था तुम्हें, भूलना था तुम्हें खुदा की कसम, हाथ जब भी उठे तुम दुआ, यार ये लाइन भूलना था तुम्हें भगवान से जब भी कुछ, लेकिन जब तुम्हारे बारे में बात करने पे आया तो खाली तुम्हारे लिए दुआ ही मांगी और तुम्हारे लिए अपनी दुआ मांगी, तुम मेरी दुआ बन गए है ना, आई वांट यू इन माय लाइफ, जबकि मुझे तुम्हें से भुलाना था लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। शिकायतें सुनो,
इस पूरे गाने में जो शिकायतें करी गई है ना, है ना, उस पर जरा तबज्जो क्या 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 फरमाइएगा भाई। लेकिन सीरियसली भाई, क्या शिकायतें लिखी है, लाइक इनोसेंस रियल लव की शिकायत है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कुछ बुरा तो सोच नहीं सकते, उसके लिए कुछ बुरा तो कर नहीं सकते, मैं जहन में भी नहीं आने दे सकते, तो क्या आती है फिर इस टाइप की शिकायतें। ओ होटो पे दुआ है, वक्त थम नहीं रहा, तू ना मिल सका, तू बस नजम में ही रहा, दुनिया की मोहब्बतों ने सब बदल दिया, तेरा गम अजीब है वो वहीं का वहीं रहा, भूलना मैं चाह रहा था तुझको इस तरह। अरे यार ये लोग कैसे लिखते हैं, वो कौन सी लाइन दिया मेरे को, वो एक लाइन याद आ रही है, समथिंग समथिंग, लेकिन तेरा गम कुछ और है, ठीक है, लाइक दुनिया की मोहब्बतों ने सब बदल दिया, तेरा गम अजीब है वो वहीं का वहीं रहा, ठीक है, सारे गम चले गए, दुनिया की मोहब्बतों में सारे रंग बदल गए, सब हो गया, लेकिन बस वो जो एक है ना यहाँ पे वो नहीं बदला। अरे यार ये तो वही मैं कहता हूँ ना, जब ऐसी बातें लिख दी जाती है जो सच्चाई अगर जी नहीं गई है या फिर उतने अच्छे नहीं समझा सकते, है ना, जब वो लाइनें आ जाती है ना भाई, तो लगता है वो ये पर्सनल गाने बन जाते हैं, ये पर्सनल होते हैं ये गाने, इस पर हम नहीं नाच रहे, तो हम नहीं सुना रहे एक दूसरे को बैठ जाओ सुनते हैं और ये वो सुन भी सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी आर्ट बनाइए जो लिसनर को पर्सनल जाए, ठीक है, सोशल मीडिया पर शेयर करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब पर्सनल इमोशन होते हैं देखिएगा ये और शेयर करे जाएंगे। तूने सब बदल दिया, तेरा गम अजीब है वो वहीं का वहीं रहा, भूलना मैं चाह रहा था तुझको इस तरह, ना तेरी जगह तरह, कितनी बढ़िया आवाज लगी, आई एम सॉरी यार, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ, ठीक है, भूलना मैं चाह रहा था तुझको इस तरह, ना तेरी जगह कोई हो ना हो तू वहाँ, अब तेरी तलाश में पता चला मुझे, तुमसे ही शुरू है रातें तुमसे ही सुबह, तू मिल गई तो जा मिलेगी जिंदगी मुझे, जो तूने पता है इस बंदे को मेरे को देख के क्या फील आ रहा है, मेरे को यंग जस्टिन बीबर का फील आ रहा है। देखो अगर जस्टिन बीबर का नाम सुन के किसी ने गाली दी तो भाई तुम यार तुम बहुत डिल्यूजनल दुनिया में जी रहे हो मेरे भाई, ठीक है, जस्टिन बीबर जिस एज में जो कर रहा था ना, देखो यू कैन हेट हिज सॉन्ग्स, ठीक है, अलाउड, बट यू कैन नॉट हेट हिम, है ना, एज एन आर्टिस्ट उसने वाट लगा दिया, ठीक है, दुनिया की, लाइक वो कितनी 14-15 साल की उम्र से आया हुआ अभी तक इंडस्ट्री में रेलिवेंट है, मेकिंग गुड सॉन्ग्स, है ना, तो समझो मेरी बात को, इस भाई को देख के जरा मेरे को वो यंग जस्टिन बीबर की याद आती है, जो बहुत ही लव और वाली बातें करता था और ब्रिलियंट म्यूजिक बनाता था, ठीक है, देखो हेट हिम यू कैन हेट हिम, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जस्टिन बीबर भाई ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, मैं भी उसके गाने नहीं सुनता, प्लीज समझिए इस चीज को, लेकिन बंदे ने फाड़ा है और इस भाई को देख के मेरे को बिल्कुल वही याद आ रहा है। पता तेरी जगह कोई हो ना हो तू वहाँ, अब तेरी तलाश में पता चला मुझे, तुमसे ही शुरू है रातें तुमसे ही सुबह, तू मिल गई तो जा मिलेगी जिंदगी मुझे, जो तू नहीं तो चाहिए कुछ नहीं मुझे, ख्वाब तू एहसास तू ही रात तू सुबह, काट दूं मैं जिंदगी में देख के तुझे, yes. देख ले मुझे ये कट रही है जिंदगी अब देख के तुझे, टूट ही गया हूँ तू समेट ले मुझे, समेट ले मुझे, कहीं बिखर न जाऊं मैं। बाप रे इतनी मेलोडीज, इतनी मेलोडीज, आओ ना मेरे आंसू को पोछो और फिर से रुलाओ मुझे, ठीक है, लाइक मतलब मुझे, मैं अभी गम में रो रहा हूँ, मेरे आंसू को पोछो और इसके बाद मुझे खुशी में रुलाओ, ठीक है, कि तुम मेरे पास आ गए, मेरे आंसू को पोछो और फिर से रुलाओ मुझे, मेरा सब कुछ है तेरे लिए, तो आओ ना दिल की बातें करो और फिर से सताओ मुझे, दिल की बातें करके सताओ मुझे, सब कुछ है तेरे लिए। ना, भाई बहुत प्यारा गाना यार। मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर जवाब दूंगा, यही करता हूँ, यही कपाल मेरा। डैम भाई, मैं अपने इमोशन कभी किसी को नहीं दिखाता, ठीक है। लाइक हंसता रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ हमेशा। भाई बहुत प्यारा गाना है, ठीक है। लाइक देखो, अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं पता, लाइक मैंने सब बोल दिया है, ठीक है। अब मैं गाने के बाद क्या रिव्यू दूँ यार, है ना। मुझे तो मज़े आए यार सुन के। मुझे सबसे अच्छी चीज़ तो ये लग रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे हिट करी है ना। पहली बात, वो इनोसेंट राइटिंग का दौर फिर से आ रहा है। दूसरी चीज़, इतना ज़्यादा यंग टैलेंट। तीसरी चीज़, इतनी प्यारी बातें जो हर उम्र के लोग रिलेट कर पाए। चौथी चीज़, इतना लंबा गाना। लंबे गानों के दौर मुझे बहुत पसंद है। सोशल मीडिया में कंटेंट छोटा हो जाए, ठीक है, लेकिन गाने कंटेंट से थोड़ा ज़्यादा होते हैं ना, तो उनको थोड़ा लंबा बने तो और मज़ा आता है। पाँचवीं चीज़, वीडियो का एस्थेटिक्स है ना, मुझे बहुत बढ़िया लगा। आई थिंक पाँचवीं थी, मुझे नहीं पता जो भी थी, ठीक है। लेकिन सच में भाई, सच में बहुत बहुत सुंदर गाना, सुंदर इज द वर्ड, बहुत खूबसूरत गाना। और मुझे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि भाई तुम चार महीने, पाँच महीने बाद देखना, इनके वर्ल्ड टूर्स होने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर हुआ तो मैंने कुछ प्रिडिक्शंस बोले हैं, ऐसी बातों बातों मुंह से निकलता मेरे, सच हो जाता है। और के लिए बोला था मैंने, जब मैंने इनको कवर करा तब इनके आई थिंक 5 लाख व्यूज़ थे। और अभी तब मैंने कहा था कि यार अगर कोई अच्छा इनके ऊपर कोई सपोर्ट करने आ जाए कोई लेवल, तो इनके 50-60 मिलियन तो कहीं नहीं गए। और बड़ी बात होती है 5 को 50-60 मिलियन बोल रहा हूँ, और अभी आप देखना तू है कहाँ के व्यूज़ हैं, वो 60 मिलियन के शायद ऊपर पहुँच चुके हैं। तो मैं भी ये बात बोल रहा हूँ कि देखना इनके वर्ल्ड टूर होने वाले बहुत बड़े लेवल पे। बाकी तुम लोग बताओ भाई, व्हाट डू यू थिंक? कनेक्ट करा तो कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, नहीं करा तो वो भी बताओ। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करता तो प्लीज़ एक बार कनेक्ट करो, तुम्हें मजा आएंगे। और अगर तुम्हें इस टाइप के गाने पसंद हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने दोनों में प्लेलिस्ट का अपने लिंक दे दिया है स्पॉटिफाई का, मजा ना आए तो तुम मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। प्लेलिस्ट लेकिन एक बार सुनना जरूर, अच्छे लगे तो फॉलो कर लेना स्पॉटिफाई पे, ठीक है। चलो बाय, पीस।